अरे कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। कितना टाइम लगाएगा, मेरी तो बेचैनी ना बढ़ती जा रही है। कब आएगा? अरे लगता है आ गया। नमस्ते। नमस्ते। अरे शान, तुम आ गए, आओ ना अंदर। चलिए। अरे शान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ रह गए थे? अरे आंटी जी, वो ना मैं जाम में फंस गया था, बहुत जाम हो रहा बाहर। और वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया इतनी अर्जेंट में, मतलब क्या बात है? और करण दिखाई नहीं दे रहा, करण कहाँ है? अरे करण तो है ही नहीं ना, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे ना तुमसे शान बहुत जरूरी काम है। ठीक है, करण नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वैसे भी आप मेरी दोस्त की मम्मी हो, और आपकी जो भी जरूरत होगी, जो भी काम होगा वो मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बताइए वैसे क्या काम है? अरे हाँ, वही सोच के तो मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे बेटे के दोस्त हो और वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अच्छा, मैं कर सकता हूँ? पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन चलिए छोड़िए, जो भी है आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बताती हूँ। दरअसल बात यह है ना शान, कि तुम्हें ना मुझे खुश करना है। खुश करना है? अच्छा, हाँ, मैं समझ गया। मतलब आप मुझे कोई काम बताओगे, फिर मैं उस काम को करूंगा, और वो काम अच्छे से होगा तो आप खुश हो जाओगे ना? अरे नहीं नहीं शान, वो वाला खुश नहीं, खुश ये वाला कि तुम्हें ना मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में जाके खुश करना है। पर्सनल लाइफ में खुश करना है? वैसे आंटी आप ये क्या बातें कर रही हो, मतलब क्या कहना चाहती हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। थोड़ा सा मुझे ना अजीब लग रहा है आपकी बातों से, आप थोड़ा मुझे खुलकर एक्सप्लेन करोगे कि आप क्या कहना चाहते हो? हाँ शान देखो, बात दरअसल ना ऐसी है, शादी में मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाया, और जवानी में मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खुश नहीं कर पाया, और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मतलब जैसे तुम मेरे बेटे के साथ आते जाते हो ना, जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तो मेरे अंदर से यही आत्मा कहती है कि वो खुशी सिर्फ मुझे तुम ही दे सकते हो। वैसे आंटी जी, मैं आपके इशारों से और आपकी बातों से समझ गया कि आप क्या चाहते हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि हम वो सब कर लेते हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा ना थोड़ा, क्योंकि आप मेरे दोस्त की मम्मी हो, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो आपको नहीं लगता कि फिर ये, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाएगा, मतलब इस टाइप से कुछ? अरे हमें इस रिश्ते को कोई नाम देने की जरूरत थोड़ी ना है, बस हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर लेंगे, बस काम हो गया। देखो आंटी जी, अगर मैंने चलो आपकी बात मान भी ली तो फिर ठीक है, लेकिन फिर अगर सोचो ना, अगर कल को अगर जो मेरा दोस्त है यानी कि आपका बेटा, अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसकी मम्मी के साथ ही सब किया है, तो देखो हमारी दोस्ती तो ख़त्म ही हो जाएगी, फिर आपके साथ भी मेरा रिलेशन टूट जाएगा, और समाज में मेरी फिर क्या इज्जत रह जाएगी, आप समझ सकती हो ना? मतलब अरे नहीं नहीं शान, उसकी फिक्र तुम मत करो। देखो रही हमारे रिश्ते की बात, तो मेरे बेटे को बताएगा कौन, ना मैं ना तुम। इतने तो समझदार मैं भी हूं कि अगर तुम ये सब नहीं चाहते तो अब तक यहां थोड़ी ना बैठे होते, उठ के चले जाते। और इसका मतलब तुम भी वही चाहते हो जो मैं चाहती हूँ, तो इस रिश्ते की फिक्र तुम मत करो। बस जो तुम चाहते हो वो तुम चाहते हो, और जो मैं तुमसे चाहती हूँ वो तो तुम मुझे दे ही दोगे ना। वैसे एक बात बोलो आंटी जी, आप बहुत शरारती हो, मतलब हाँ मेरा मन तो है ये सब करने का यार, मुझे भी चाहिए ना, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। चलो मेरे दोस्त का तो चलो ठीक है, एक अलग मैटर है, लेकिन आपके हस्बैंड का क्या सीन है? मतलब वो आपको मतलब कुछ पूरा खुश नहीं कर पाते क्या सही तरीके से? और फिर मैं ये सोच रहा था, अगर वो आपको खुश नहीं कर पाते हैं तो जो आपका लड़का है वो उन्हीं का है ना, मतलब या फिर किसी और से है? देखो शान, रही तुम्हारे अंकल की बात, तो उनकी बस की तो मुझे खुश करना है ही नहीं, तभी तो मुझे हाथ नहीं लगाते। और उसकी टेंशन तुम मत करो, वो भी ना कहीं जाके मुंह मारते ही होंगे, तभी तो मेरे पास आते ही नहीं है। अच्छा आंटी जी, ऐसी बात है, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ सही से समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक बार मुझे क्लियर हो जाए कि ये जो मेरा दोस्त है यानी कि आपका बेटा, वो आप के हस्बैंड की है ना पक्का? मतलब जानना चाहता हूँ, मतलब आप बता दो तो अच्छा रहेगा। अरे हाँ हाँ शान, औलाद हमारी ही है। तुमने वो कहावत सुनी है कि कभी ना कभी अंधेरे में तीर लग ही जाता है, वही हाल तुम्हारे अंकल का है। बस वो अंधेरे में तीर लग गया, उसी की निशानी तुम्हारा दोस्त है, मतलब हमारा बेटा। ओह अच्छा,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो तीर है ना वो बिल्कुल फिट निशाने बैठा है, तभी तो ये मटर बैठ गया। अच्छा चलिए ठीक है, सारी बात सही है, लेकिन मेरे मन में ना एक डाउट और रह गया अभी कि अगर मान के चलो हम ये सब कर लेते हैं, लेकिन अगर कल की डेट में बाई चांस अगर मेरे घर पे ये सब पता चल गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर पता है लोग ना मेरे संस्कारों पे उंगलियां उठाने लगेंगे और मेरे घर वालों पे भी, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो बस यही सोच के ना मुझे अजीब लग रहा है, और अगर लोगों को पता चल गया कि मैंने अपनी दोस्त की मम्मी के साथ ही वो सब किया, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती ना फिर। अरे नहीं, इसकी फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करो। और एक बात बताओ, हम कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। बस हम दोनों अपनी आत्मा की खुशी के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ की हमें नीड है। बस इसकी फिक्र तुम बिल्कुल भी मत करो, दीवारों को भी पता नहीं चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अरे आंटी जी, आत्मा तो क्या, मैं तो ना जाने कितने ही जन्मों की आत्मा आपकी एक बार में खुश कर दूंगा। शान, सच बताऊं, यही तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे अंदर की प्यास है ना, उसे तुम बुझा दो बस। हाँ हाँ आंटी जी, वो सब तो हम कर लेंगे, लेकिन मैं ही सोच रहा था कि जैसे आपने अपने इरादे बता के सारी बात क्लियर कर दी, वैसे कुछ ऐसा करो ना, मतलब कुछ ऐसा चटपटा सा, कुछ ऐसी हरकतें करो जिससे कि मतलब ये माहौल है ना गर्म सा हो जाए। अच्छा, तो अब माहौल बनाना पड़ेगा तुम्हें गर्म करने के लिए। क्यों, मुझे देख के तुम गर्म नहीं हो रहे? मुझे देख के तो तुम्हारे अंकल भी गर्म हो जाते हैं, और एक तुम हो जो अभी तक गर्म नहीं हो रहे। क्यों, अब तुम्हें गर्म करने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा क्या? हाँ आंटी जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो क्या है ना कि हम लोगों ना थोड़ा माहौल गर्म करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम आजकल के बच्चे ना तो थोड़ा हमें इतनी जल्दी फील नहीं आता। तो बताओ ना, कैसे माहौल बनाऊं मैं? अच्छा आंटी जी, वैसे आपको एक बात बताता हूँ, शायद उसको सुनकर आपको समझ में आ जाए। बचपन में जब छोटा था ना तो मैं रोता था, तो मुझे चुप कराने के लिए ना मेरे घर वाले मुझे आम चूसाते थे, और वो आम चूसने के आदत ना मुझे ऐसे लगे कि मैं जवानी में भी ना ऐसे दबा दबा कर आम चूसता हूँ, बस ऐसे कुछ चूसा दो तो हो सकता है माहौल गर्म हो जाए। ओहो, देखो शान, मेरे पास आम तो है नहीं, पर उससे भी बेटर चीज़ है बड़े बड़े संतरे। अगर तुम्हारा काम संतरों से चलता है तो देख लो। अरे आंटी जी, काम नहीं चलेगा बल्कि दौड़ेगा। अरे संतरे तो मेरे आम से ज़्यादा फेवरेट है, और संतरे जो दबाकर जो जूस निकलता है ना उसका तो मज़ा ही क्या। बस फ़र्क है कि आम में गुठली निकलती है और इसमें रस जूस निकलेगा जो मुझे बड़ा पसंद है। हाँ शान, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बात तो रस की है। चाहे आम में से निकालो चाहे संतरे में से निकालो, क्यों ना ऐसा करें कि इन संतरों का रस पी लिया जाए। अरे पी लिया जाए नहीं आंटी जी, बल्कि मुझे पिला दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आप अपने संतरे खुद पियो, वो तो अब मेरी प्रॉपर्टी ना, तो फिर मैं ही पी सकता हूँ उसे। होए अरे हाँ, आप पीना और मैं पिलाऊंगी। होए आंटी, बड़ी शरारती हो तुम तो। अरे छट, मैं भी ना इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको आंटी कह रहा हूँ, आंटी ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब कुछ ऐसा कुछ आप बताओ ना, मतलब आपको क्या बोलूँ मैं। देखो नाम में क्या रखा है, वैसे तो तुम प्यार से कुछ भी कह सकते हो, बट मुझे भी अच्छा लगेगा कि बाबू सोना बोल दो। अच्छा बाबूशो ना, फिर तो ठीक है, फिर मैं अपना सुरमा मतलब आईलाइनर लगा दूँ आपकी आंखों में। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम मुझे बाबू सोना कहोगे तो मैं तुम्हारी बाबू बन जाऊंगी और तुम मेरे सोना बन जाना। तो फिर चलो ना, अब देरी किस बात की, सुरमा सुरमा खेलते हैं यहीं सोफे पर। आज क्यों ना हम ऐसा करते हैं, बाबू सोना खेलते हैं। बाबू सोना।